हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बैंकिंग एग्ज़ाम RRB का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें ये टॉपिक DI एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो हर एग्ज़ाम में 10 या 12 नंबर का ज़रूर आता है। तो मैं आज आपके लिए DI लेकर आया हूँ। मैं आपको बेसिक्स से शुरू करूँगा, बिल्कुल लेवल फर्स्ट से, और हार्ड तक लेके जाऊँगा। डेली एक DI कराऊँगा शाम को मैं आपको। आप उसकी प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। DI देखिए, इसमें हमारी जो DI है, पहली द पाई चार्ट गिवन दे रखा है। हमारा पाई चार्ट दे रखा है अमाउंट ऑफ मनी इन डिग्री ऑन वेरियस स्पोर्ट ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन ए पर्टिकुलर ईयर। मतलब ये कोई पाई चार्ट दे रखा है। पाई चार्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल वाला होता है, एक डबल वाला होता है। मैं आपको आज सिंगल वाले की करा रहा हूँ। मैं आपको इसलिए कहूँगी, आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से कराना चाहता हूँ और इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कोई भी DI बाकी नहीं रह जाएगी। तो चलिए सीखते हैं। तो इसमें दे रखा है कि पाई चार्ट दे रखा है अलग अलग स्पोर्ट पर कितना पैसा खर्च किया है। एक स्कूल ने अलग अलग स्पोर्ट पर इतना पैसा खर्च किया है, उसको पाई चार्ट पर दे रखा है डिग्री के रूप में। किसमें दे रखा है? डिग्री के रूप में। तो आप लोग तो जानते होंगे टोटल डिग्री जो हमारी होती है वो कितनी होती है? 360 होती है। कितनी होती है हमारी? 360 होती है टोटल डिग्री। तो ये अलग अलग डिग्री देखिए, हॉकी पर 100 दे रखा है, क्रिकेट पर 160 है, बास्केटबॉल पर 20 है, टेनिस पर 35 है, फुटबॉल पर 45 है। इसी तरह से अलग अलग डिग्री दे रखी हैं। तो इसमें पूछा है कि इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, अगली स्लाइड में क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको दिखाता हूँ। मैं पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल बाज ₹9,000। इसमें कह रहा है इफ़ द मनी, अगर हम फुटबॉल पर ₹9,000 खर्च हो रहे हैं तो हाउ मच मोर मनी, तो कितनी ज़्यादा रुपए स्पेंट हो रहे हैं हॉकी पर फुटबॉल की तुलना में। तो मतलब ये फुटबॉल पर कितने रुपए से डिग्री कितनी खर्च हो रही है फुटबॉल पर, देखा जाए तो 45 डिग्री खर्च हो रही है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी? 9,000। कितनी दे रखी है? 9,000। तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? हमारी एक डिग्री वैल्यू आ जाएगी, 45 को 9,000 में डिवाइड देंगे तो हमारी एक डिग्री वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। कितनी आ जाएगी हमारी एक डिग्री वैल्यू? 200 आ जाएगी, 200 आ गई। अब इसमें कह रहा है कि हॉकी पर फुटबॉल से कितनी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो कितने इसमें डिग्री में कितना अंतर है? 55 का। कितना अंतर है? 55 डिग्री का। अब एक डिग्री की वैल्यू हमारे को 200 आई है, एक डिग्री वैल्यू कितनी आई है? 200। तो हमारे पूछ रहा है 55 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55 दूनी कितने हो गए हमारे? 110। 55 दूनी कितने हो गए? 110। 2 0 को 2 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ओरली हम कर सकते हैं सवाल को आराम से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि सभी खेलों पर कुल धन 5,040, फिर हॉकी और फुटबॉल पर खर्च किए गए पैसों के बीच अंतर क्या है? मतलब कह रहा है कि सभी खेलों पर कुल धन कितना खर्च हुआ है हमारा? 5,040। तो सभी खेल मतलब 360 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 5,040। तो एक डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें डिवाइड कर देंगे तो 14 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी हमारी? 14 डिग्री आ जाएंगी एक डिग्री की वैल्यू। अब कह रहा है वो हॉकी और फुटबॉल पर खर्च किए गए पैसों के बीच अंतर, हॉकी और फुटबॉल के बीच अंतर कितना है? 55 है। तो हम क्या करेंगे? 55 का 14 में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 55 × 14, तो कितना आ जाएगा हमारा? 770। कितना आ जाएगा हमारा? 770। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ₹9,000 फुटबॉल पर खर्च किए गए थे, फिर टेनिस पर खर्च किए गए पैसा बास्केटबॉल पर खर्च किएगा कितना परसेंट है? मतलब ₹9,000 हमने स्पेंड करे हैं फुटबॉल पर, तो कह रहा है टेनिस का परसेंट कितना है बास्केटबॉल से? जी तो आपको बहकाने के लिए दे दिया, ₹9,000 फुटबॉल पर खर्च किए गए, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। और इसमें ये पूछ रहा है टेनिस पर खर्च किए गए पैसे और बास्केटबॉल पर खर्च किए गए पैसे का परसेंटेज पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब हम देखेंगे टेनिस पर कितने हुए हैं हमारे। टेनिस पर हुए हमारे 35, बास्केटबॉल पर कितने हुए हमारे? 20 × 100, 20 × 100 = 100, 35 × 100 कितने? 35 × 100 हमारे कितने हो जाएंगे हमारे? 175। 35 × 100 कितने हो गए हमारे? 175। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 175 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ रुपीज 11,000 वर स्पेंट ऑन टेनिस एंड बास्केटबॉल, मतलब टेनिस और बास्केटबॉल पर टोटल रुपीज कितने खर्च किए गए हैं, 11,000, तो टेनिस और बास्केटबॉल हमारा क्या है, टेनिस और बास्केटबॉल कितना है हमारा टोटल, हमारा है 55 की वैल्यू कितनी दी रखी है उन्होंने, 11,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 की वैल्यू कितनी होगी, 11,000, एक की वैल्यू कितनी होगी, 200, कितनी होगी हमारी फ्रेंड, 200 हो गई, एक की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 200 हो गई, 200। अब क्या पूछ रहा है इसमें, ये देखेंगे क्या पूछ रहा है इसमें, स्पेंड बास्केट देन द मनी स्पेंड ऑन हॉकी, तो हॉकी पर कितने पैसे खर्च हुए हैं, तो एक की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 200, एक की कितनी आ गई, 200। अब हॉकी कहाँ है हमारा, 100 कितना हो जाएगा, 20,000, कितना आ जाएगा हमारा, 20,000। इसमें कोई ऑप्शन से भी जाए तो नोट, हम क्या लगाएंगे, NOT नोट, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन हमारा 20,000 नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आया हो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंट बिटवीन मनी स्पेंट ऑफ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, मतलब क्रिकेट पे जो खर्च हुआ है और बास्केटबॉल पे जो खर्च हुआ है उसका डिफरेंस कितना है, 28,000। अब हम देखेंगे वैसे क्रिकेट और बास्केटबॉल डिग्री का अंतर कितना है, 140 का अंतर है, 140 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 140 की वैल्यू कितनी होगी, 28,000 ओरली हो जाएगा, 140 की वैल्यू कितनी होगी, 28,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 200, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 200। अब पूछ क्या रहा है इसमें, ये देखेंगे क्या पूछ रहा है इसमें, तो बार डिफरेंट बिटवीन मनी स्पेंट ऑफ फुटबॉल एंड टेनिस, तो फुटबॉल और टेनिस पर कितना अंतर है, तो फुटबॉल और टेनिस पर पैसे कितना अंतर है, 10 डिग्री का, कितना अंतर है हमारा, 10 डिग्री का, और एक डिग्री की वैल्यू हमने निकाली 200, तो 10 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 10 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 200, कितना आ जाएगा आंसर, 2000, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 2000, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये DI समझ में आएगी, इसी तरह हम डेली एक DI करेंगे और आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, इससे आप अच्छी तरह समझ सकें और अपने नोट्स बना सकें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं कल एक नई DI के साथ। थैंक्स फ्रेंड।